हेलो एवरीवन, कंप्यूटर ज्ञान केंद्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पीसी पैकेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। सबसे पहले देखिए यूनिट वन की बात करते हैं। यूनिट वन में पहला जो क्वेश्चन है विंडोज 8.1 की एसए सीरीज को समझाइए। क्वेश्चन नंबर टू है विंडोज 8.1 में फाइल और फोल्डर को कैसे बनाएं, कॉपी करें, हटाएं, नाम बदलें, स्थानांतरण करें। क्वेश्चन नंबर थ्री है टिप्पणी लिखो, ये जैसे कि लॉग ऑफ क्या होता है, हाइबरनेट क्या होता है, शटडाउन क्या होता है। चौथा प्रश्न है विंडोज 8.1 में डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आइकॉन, स्क्रीन सेवर, थीम्स और रिसाइकलिंग बिन को समझाइए। अब बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की तरफ। यूनिट सेकंड क्वेश्चन नंबर वन है एमएस वर्ड 2013 में विजार्ड और टेम्पलेट को समझाइए। क्वेश्चन नंबर टू है टिप्पणी लिखिए टैब ऑप्शन, बुलेट ऑप्शन, हेडिंग स्टाइल, हेडर एंड फुटर। इसके बाद यूनिट थर्ड से बात करते हैं, टिप्पणी लिखिए स्पेल चेक, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, ऑटो करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर टू है यूनिट थर्ड से एमएस वर्ड 2013 में मेल मर्ज को समझाइए। क्वेश्चन नंबर थ्री है वर्ड 2013 में थेसरस ऑप्शन को समझाइए। क्वेश्चन नंबर चार है एमएस वर्ड 2013 में कॉलम को समझाइए। इसके बाद बढ़ते हैं यूनिट फोर। यूनिट फोर्थ में सबसे पहला प्रश्न है एमएस एक्सेल 2013 में डेटा प्रकार यानी कि डेटा टाइप को समझाइए। एक्सेल 2013 में चार्ट कैसे बनाते हैं समझाइए। एक्सेल 2013 में पेज सेटअप को समझाइए और एक्सेल 2013 में डेटा को कैसे सॉर्ट करें समझाइए। अब यूनिट फिफ्थ की बात करते हैं। यूनिट फिफ्थ में पावर पॉइंट आता है, एमएस पावर पॉइंट 2013 में व्यू के प्रकार समझाइए। एमएस पावर पॉइंट 2013 में स्लाइड हैंडआउट और स्लाइड नोट्स क्या है समझाइए। इसके अलावा एमएस पावर पॉइंट 2013 में स्लाइड हैंडआउट और स्लाइड नोट्स क्या है। इसके अलावा टिप्पणी लिखें के अंतर्गत है बुलेट और नंबरिंग, ट्रांजिशन और एनिमेशन, जो कि पावर पॉइंट के अंतर्गत आता है। तो यहां पर कुल मिलाकर यूनिट पांच से पांचों यूनिट में जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। बाकी आपको तैयार पूरा सिलेबस करना है ताकि आपका पेपर जो है अच्छा जाए, उसके लिए इन प्रश्नों को और बेहतर तरीके से तैयार कीजिएगा।